असलमकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए हैदराबादी चिकन करी बनाने की रेसिपी लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस बनती है ये और आप जब कभी भी अगर मेहमानों के लिए ये रेसिपी बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे बहुत ही मज़ेदारी बनती है इसके जो मसाले हैं ना इसका जो बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये इतनी मज़ेदार चिकन करी है कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे आप जब बनाकर इसे खाएंगे एक बार तो ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा बहुत ही आसान रेसिपी है बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है कम वक्त में कम मेहनत में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले चिकन हमें चाहिए चिकन हमने यहाँ पर लिया है छः ग्राम चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है अब इसमें मैं डाल दूँगी दो मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज़ दो मीडियम साइज़ की प्याज़ हैं इन्हें मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था प्याज़ एकदम क्रिस्पी ब्राउन हो गई थी तो यहाँ पर मैंने इसे चूगा कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है तो प्याज़ को आपने भी पहले फ्राई करना है क्रिस्पी फ्राई कर लीजिएगा इस तरह से डाल दीजिएगा इसके बाद इसमें जाएगा दही दो सौ ग्राम अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट एक चम्मच यानी कि एक टेबल स्पून ऐसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें चला गया तो यहाँ पर हम इसे मैगिनेट कर रहे हैं मैगिनेट करने के लिए जो मसाले इसमें डलेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ चिकन को सबसे पहले मैगिनेट किया जाएगा तो अब इसका स्पेशल मसाला बनेगा तो इसमें जाएगा काजू आप देख सकते हैं सात से आठ मैंने काजू लिए हैं और तकरीबन यहाँ पे आठ से दस बादाम ले लिए हैं तो इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डालकर इनका फाइन सा पाउडर बना लेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कभी इसकी बनेगी चिकन की तो आज हैदराबादी स्टाइल में आपको ये रेसिपी बता गई हूँ यकीनन आप लोग भी जब इसे बनाकर खाएंगे खाएँगे तो इन आप सब भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे तो यहाँ देखिए मैंने पीस लिया है दोनों चीज़ों को अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसकी जगह पर ख़श, -ख़श का इस्तेमाल कर सकते हैं एक टेबल स्पून ले लीजिएगा एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया है टमाटर को पीस के इसमें ऐड कर दिया है नमक हसबी जरूरत ऐड किया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर ऑयल तकरीबन जाएगा इसमें दो टेबल स्पून अब इन इसमें मैं डालूँगी मिर्चों का पाउडर एक चम्मच सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है एक चम्मच एक चम्मच रेगुलर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है एक चम्मच धनिया पाउडर अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर खूबसूरत आएगा अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च डालने से देगी मिर्च से कलर खूबसूरत आता है खानों का और ये तीखी भी नहीं होती है बिल्कुल भी तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से चिकन पर सारा मसाला लगा दिया हाथ से तो अब हमने क्या करना है इसे हमने रख देना है 30 से 40 मिनट के लिए मसालों के साथ चिकन को ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देना है इसे मैं कवर कर देती हूँ तो 30 से 40 मिनट तक हम इसे रखा रहने देंगे ताकि जितने भी मसाले हैं उनका फ़्लेवर अच्छी तरह से निकल के आ सके चिकन के साथ तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट हो चुके थे तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हांडी में ऑयल ले लिया है तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है तीन बड़ी इलायची पांच छोटी इलायची लिए एक बादियान का फूल है एक जवतरी का फूल है और लौंग है यहाँ पे तकरीबन छः से सात अदद काली मिर्चें हैं तकरीबन दस से बारह काली मिर्च के दाने लिए हैं साबुत खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में और साथ ही में इसमें डालेंगे तेज़पात के पत्ते दो पत्ते इस तरह से डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इन खड़े मसालों की तो इसके बाद अब इसमें हमने ऐड कर देना है चिकन जो हमने मैगिनेट करके रखा था चिकन को वो ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑयल मैंने वही यूज़ किया है जिसमें प्याज हमने फ़्राई की थी तो इस ऑयल में प्याज का फ्लेवर है आपने यही ऑयल यूज़ करना है जिसमें आप प्याज फ्राई करेंगे शुरू में और यहाँ पर जो बॉल में मसाला लगा रह गया था इसमें आधा कप के करीब मैंने पानी डालकर कर ये भी इसमें ऐड कर दिया है अब हमने इसे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है पहले इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे तकरीबन इसे 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है या फिर इतनी देर तक पकाइएगा कि चिकन इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए तो चलिए मैंने इसे कवर कर दिया है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है हल्की आंच पर हम इसे दम वाली आंच पर पकाएंगे तो यहाँ पर टोटल इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम देख लेते हैं तो देखिए इसका जो ऑयल है ये अलग से सेपरेट हो चुका है और बीच में भी मैंने एक दो बार चम्मच चलाकर चेक कर लिया था तो यहाँ पर चम्मच चलाना जरूरी है कि मसाला नीचे ना लगे एकदम आपने इसे बिल्कुल छोड़ नहीं देना है और इस तरह से ये देखिए चिकन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए हड्डी से गोश्त अलग हो गया है दिखने में ही पता चल रहा है कि गोश्त अच्छी तरह से चिकन का गल चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला पाउडर और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसमें थोड़ी सी ग्रेविज तरह से रखी जाती है और आप चाहें तो इसमें मज़ीद और पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसे इसी तरह से इसी फॉर्म में मुझे अच्छा लगता है और जो तेज़पात के पत्ते हैं इसे हम हटा देंगे इनका फ्लेवर आ चुका है सालन में तो बस इन्हें हटा लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे बहुत ही ज़बरदस्त इसका ज़ायक़ा होता है और ये सालन वाकई में बहुत ही अच्छा बनता है मज़े का बनता है और बहुत ही डिफरेंट भी है और साथ में आ, बहुत ही आसान भी है आपने देखा बिना किसी मेहनत के फटाफट -फट से ही बन जाता है बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है ना इसका पकाने का इतना ज़्यादा टाइम है बस फ्राई प्याज आपको चाहिए और उसके बाद पे ये सालन पकाने में आपको 20 से 25 मिनट ही लगते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये चिकन का सालन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है और गैस का फ्लेम अभी लो है आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी शानदार बनी है शाही बिल्कुल सालन लग रहा है बहुत ही मज़े का लग रहा है दिखने में और यकीन जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप भी आ, कहने पर मजबूर हो जाएंगे तारीफ़ करने पर बहुत ही लजीज बनता है इस तरीके से ये सालन तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप आप अपनी फैमिली के लिए बनाइए दावतों के लिए बनाइए ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती ताफ्तान के साथ आप इसे खा सकते हैं या नाश्ते में भी आप इसे खा सकते हैं बहुत ही लजीज़ ये लगेगा आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके मिलते हैं ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़